चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 79। पहला पॉइंट है सूडोसाइसिस। बच्चे सूडोसाइसिस क्या होता है? सूडोसाइसिस होता है व्हेन अ वोमेन हैज़ फॉल्स बिलीव दैट सी इज़ प्रेग्नेंट। वोमेन को फॉल्स बिलीव होता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसको कहते हैं बच्चे सूडोसाइसिस। वोमेन हैज़ फॉल्स बिलीव, उससे फॉल्स बिलीव होता है दैट सी इज़ प्रेग्नेंट। एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट के लिए बच्चे तीन फार्मूला यूज़ करते हैं हम, जॉनसन फार्मूला यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज़ करेंगे शिफार्ड फार्मूला, या फिर बच्चे हम यूज़ करते हैं हेडलॉक फार्मूला। तो बच्चे ये तीन फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ फीटल वेट के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्लासिकल ट्रायड ऑफ ट्यूबल प्रेगनेंसी। बच्चे अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी तो उसमें तीन कौन कौन से मेन सिम्टम दिखते हैं? सबसे पहले बच्चे एब्डोमिनल पेन होगा। के बाद बच्चे जो दूसरा सबसे ज़्यादा बच्चे एब्डोमिनल पेन होगा, वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड एमेनोरिया आपको देखने को मिलेगा, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तीन फीचर्स बच्चे आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बच्चे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डिफरेंशिएशन आप कब कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ 9th वीक। और अगर वो पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया तो वो आप कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 7th वीक। ओके, नेक्स्ट है नेस्टिंग क्या होता है? बच्चे जो मदर होती है उसमें लेबर के 24 से 48 घंटे पहले 24 to 48 आवर्स प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर मदर में सडन बर्स्ट होती है एनर्जी की। एक सडन बर्स्ट आउट होता है एनर्जी, मदर जो होती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, और उसी टर्मिनोलॉजी को बच्चे कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है? प्रायर टू द ऑनसेट 24 to 48 आवर्स प्रायर टू द ऑनसेट मदर सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब किया जाता है? बच्चे 24 से 28 वीक में किया जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चे मिनी लैब प्रोसीजर किस चीज़ से रिलेटेड होता है? बच्चे मिनी लैब प्रोसीजर रिलेटेड होता है फैमिली प्लानिंग से। अगला है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है? बच्चे लेवोनॉर्जेस्टिन। नेक्स्ट है फॉर फाइंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए बच्चे कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं? पर्ल इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं बच्चे? पर्ल इंडेक्स।